महान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजय ऑफिशियल टूर। दोस्तों, आज मैं आपको यात्रा कराने वाला हूं नीम करौली धाम की। आपने नाम तो सुना ही होगा, इसको कैंची धाम भी बोलते हैं और ये उत्तराखंड में नैनीताल ज़िले में आता है और ये नैनीताल से तकरीबन 17 किलोमीटर दूरी पर है। तो अभी चलते हैं और दर्शन करते हैं चल के कैंची धाम के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप कैंची धाम कैसे पहुंच सकते हैं। तो सबसे नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है कैंची धाम का, वो है काठगोदाम। काठगोदाम से कैंची धाम की दूरी 40 किलोमीटर है और सबसे नियरेस्ट जो हवाई अड्डा है वो पंतनगर है। पंतनगर से कैंची धाम की दूरी 70 किलोमीटर है। आप यहां पर आ सकते हैं बस के थ्रू या ट्रेन से या आप फ्लाइट से या आप अपनी टैक्सी कार करके कैंची धाम पहुंच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है। तो रुकने के लिए यहाँ पर हर तरीके के होटल, होम स्टे, रूम आपको मिल जाएंगे। जैसा आपका बजट हो वैसा होटल आप कैंची धाम में ले सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम मंदिर सिप्रा नदी के तट पर बना हुआ है और यही नदी आगे जाकर कोसी नदी में मिलती है। कैंची धाम में हनुमान जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है और उसी परिसर में नीम करौली वाले महाराज यानी कि बाबा जी की भी प्रतिमा बनी हुई है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कैंची धाम मंदिर के इतिहास के बारे में। बाबा नीम करौली का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गाँव में हुआ था। नीम करौली गाँव में बाबा ने कठिन तपस्या करके स्वयं सिद्धि हासिल की थी, जिससे लोग उन्हें नीम करौली वाले बाबा कहने लगे। बाबा जन्म से ही संत थे और परम हनुमान भक्त थे। जीवन में उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण कराया। निर्वाण से पहले उन्होंने दो प्रसिद्ध आश्रम बनवाए, जो कि पहला आश्रम नैनीताल में कैंची धाम है और दूसरा आश्रम वृंदावन मथुरा में है। बाबा के भक्तों में एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी शामिल हैं। हाल ही में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी कैंची धाम में दर्शन करने के लिए आए थे। कैंची धाम का स्थापना दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है। इस दिन यहाँ पे बहुत ही भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। हाथ बज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत हि सम भाई। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। सहस बदन तुम रोजस गावे, श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते कभी को। नीम करौली धाम दिव्य चमत्कारों के लिए जाना जाता है। चाहे अमीर हो या गरीब हो, या पढ़ने वाले बच्चे हो या जॉब करने वाले लोग हो, सभी यहां मत्था टेकने आते हैं अपनी तरक्की के लिए और बाबा उनकी मुराद जरूर पूरी करते हैं। बाबा जरूर हर किसी फरियादी की फरियाद सुनते हैं। बताया जाता है कि फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग का एक समय बुरा दौर चल रहा था और वो फेसबुक को बेचने की सोच रहे थे।
किसी ने उन्हें नीम करौली दरबार जाने के लिए बोला। जुकरबर्ग दर्शन करने भारत में कैंची धाम आए। वापस जाने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी कंपनी बराबर ग्रोथ करने लगी। नीम करौली बाबा ने अपने जीवन काल में लगभग 108 हनुमान मंदिरों का निर्माण कराया था। नीम करौली बाबा को उनके शिष्य भगवान हनुमान का अवतार मानते हैं, इसलिए इस मंदिर में पूरे दिन आश्रम में हनुमान चालीसा का पाठ होता रहता है। नीम करौली बाबा हमेशा कंबल ओढ़ा करते थे, इसलिए आज भी उनके शिष्य और दर्शक यहाँ पर नीम करौली वाले बाबा को कंबल भेंट करने के लिए आते हैं। बाबा के दिव्य चमत्कारों में से एक घटना बहुत फेमस है। एक बार बताते हैं कि बाबा ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, बाबा के पास टिकट नहीं था। टीटी चेक करने के लिए आया तो बाबा से बहुत गुस्सा हुआ और बाबा को अगले स्टेशन पे नीचे उतार दिया गया। जैसे ही बाबा को नीचे उतारा तो ट्रेन अपने आप से बंद हो गई और इसके बाद ट्रेन स्टार्ट नहीं हो सकी। उनमें से बहुत से मुसाफिर ऐसे थे जो नीम करौली वाले बाबा को जानते थे। उन्होंने टीटी से बोला कि आप पुनः बाबा के पास जाइए, उनसे प्रार्थना करिए, निवेदन करिए और उनको ट्रेन पर दोबारा लेकर आइए, तभी ये ट्रेन चल सकती है। टीटी ने ऐसा ही किया। सबकी बात मानकर वो बाबा के पास गए और आग्रह किया, अपनी गलती का पश्चाताप किया और इसके बाद बाबा को जैसे ही ट्रेन पर बैठा ला तो ट्रेन अपने आप स्टार्ट हो गई। दोस्तों, तो ये सबसे बड़ा रेलवे की हिस्ट्री में एक नीम करौली वाले बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार था। नीम करौली वाले बाबा के दर्शन कर लिए हैं मैंने। कुछ इन्हीं खूबसूरत यादों के साथ अब यहां से विदा लेने का समय आ गया है। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबा दें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय करौली धाम, जय कैंची धाम। विद कह सके कहां ते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीन्हा।